कार्तिक आर्यन को कर दिया गया है अब एक और मूवी से बैन, तो कौन सी है वो मूवी और क्या है वजह, आइए करते हैं बात। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी मनु एंड यू आर वॉचिंग बूगल बॉलीवुड। अगर हम बात करें एक्टर कार्तिक आर्यन की, तो वो काफी ज्यादा अच्छे एक्टर हैं और लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कम समय में उन्होंने काफी अच्छी अच्छी मूवीज अपने नाम की और बॉलीवुड के एक अच्छे सुपरस्टार्स में उनकी गिनती होने लगी। लेकिन कुछ समय से उनका बिहेवियर अपने काम को लेकर काफी ज्यादा चेंज दिखाई दे रहा था। यही वजह थी कि करण जौहर ने उन्हें अपनी आने वाली मूवी दोस्ताना 2 से बैन कर दिया था। इवन दो उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस से ही कार्तिक आर्यन को बैन कर दिया गया था। लेकिन अब कार्तिक आर्यन को लगा है एक और बड़ा झटका, जब शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस यानी रेड चिलीज ने भी कर दिया है कार्तिक आर्यन को बैन। अगर हम सोर्सेज की माने तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन ने स्क्रिप्ट को पहले रीड कर लिया था, उन्होंने स्क्रिप्ट को फाइनलाइज भी कर दिया था और अपना कुछ पेमेंट का पार्ट भी ले लिया था। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू करने की बारी आई तो कार्तिक आर्यन ने बोला कि चेंज द स्क्रिप्ट। तो शाहरुख खान को उनका ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और शाहरुख खान ने कर दिया उनको अपनी आने वाली मूवी से बैन। साथ ही साथ शाहरुख खान ने ये भी कहा है कि ये तो ठीक है कि हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस मूवी पे अभी नहीं की थी, तो हमें थोड़ा कम लॉस हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मूवी फ्रेडी में आपको कौन सा एक्टर नजर आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इन दो मूवी से बैन किए जाने के बाद क्या कार्तिक आर्यन के करियर पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोगों की क्या है राय कार्तिक आर्यन को मूवी फ्रेडी से बैन करने के पीछे, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और बॉलीवुड की हर एक ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल बूगल बॉलीवुड।